हलीमा सलाम अलैकुम बेटा। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी भाई, मुझे शुगर है और मुझे काफी दिनों से जुकाम है जो ठीक नहीं हो रहा और अच्छा। मेरे हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द है। ओ शाबाश। अच्छा शुगर कब से है? मुझे अभी 3 साल हो गए मुझे शुगर है, अभी मैं 35 साल की हूँ। दवाएं लेती हैं इंसुलिन? मैं मेडिसिन का क्या लेती हैं आप, या मेडिसिन का छोड़ दो, दवाइयाँ गोलियाँ लेती हो या इंसुलिन भी ले रही हो? इंसुलिन पे ले रही हो। अच्छा अच्छा। और सुबह फास्टिंग कितनी होती है, आखिरी दफा कब की थी? अभी 250 से ऊपर आती है। वो शाबाश है, इंसुलिन के बाद बदपरहेजी करती है, सच सच बताएं। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे कि आप बदपरहेजी कितनी करती हैं, खास तौर पे रात को खाने में? नहीं, बदपरहेजी नहीं करती, बस अभी घर छोटा है, पहले घर बड़ा था तो वर्जिश नहीं कर रही। अच्छा ये बताओ कि नाश्ता किस चीज का होता है आपका? मैं नाश्ता स्लाइस लेती हूँ, कभी कभी रोटी पका के खुद ही खा लेती। और दोपहर? दोपहर मैं सालन और रोटी। रात? रात को चावल लेती हूँ। शाबाश 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 शाबाश। अभी देखो ये जो जोड़ों के दर्द हैं, ये जो इम्यून सिस्टम आपका कम हो रहा है, ये शुगर इसकी वजह हो सकती है, लेकिन डॉक्टर साहब आप क्या फरमाइएगा? देखिए सबसे पहले तो रात के टाइम जो चावल ले रही है, जो आपके एक चावल की प्लेट होती है वो आपके पूरे दिन का शुगर कॉन्टेंट एक्सीड कर जाती है एक नॉर्मल बंदे का ही, तो आप तो पहले इंसुलिन पे हैं। खाने और फिर सो जाना है और आप सोचें कि रात को, अभी मैंने बताया कि कैलोरी बर्निंग प्रोसेस भी आपका स्लो होता है तो आपको जो है डाइजेस्ट भी नहीं करता। आप रात के टाइम बोन ब्रोथ्स पर आए, आप मुर्गियों की जो हड्डियां हैं देसी मुर्गी की हड्डियां उसकी यखनियों पे आए और साथ आप ले लें अपने, क्योंकि हम जब रात को सोते हैं हमारा ब्लड शुगर तब भी यूज होता है। सस्टेन ब्लड शुगर लेवल रखने के लिए शक्करकंदी ले लें। शक्करकंदी लोग समझते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है इंसुलिन वालों की भी। इसमें 0% फैट, 0% कोलेस्ट्रॉल, गुड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाइबर होता है, तो रात को जब आप सोई होंगी ना, इवन कि आप इंसुलिन भी ले रही हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल्स ये सस्टेन स्लो बॉडी में ग्लूकोज रिलीज करता है। शक्करकंदी 50 ग्राम बिल्कुल खत्म, निकाल दें जिंदगी से बाहर, चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। और ये डॉक्टर 250 अगर सुबह फास्टिंग पर है तो ये क्या ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि डेफिनेटली इनकी रूटीन में बदपरहेजी बहुत ज्यादा है। एक तो अपने इंसुलिन के यूनिट्स पे एडजस्ट कराएं और सुबह 45 मिनट वॉक करें, जहां बाहर पौधे ऑक्सीजन छोड़े होते हैं, कुरान पाक में भी जब पौधे ऑक्सीजन छोड़े होते हैं उस टाइम आप बाहर वॉक करें। इसकी खूबसूरती क्या डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, आपके इंसुलिन लेवल्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं, कॉर्टिसोल नीचे आना शुरू हो जाता है, आप 1-1.5 महीने बाद नोटिस करेंगे। अगला प्रोग्राम आपके साथ इंशाल्लाह ताला सिर्फ डायबिटिक पेशेंट की डाइट के ऊपर करना है। ये जो रोटी है ना, ये मैं आपको तजर्बे खिसा रहा हूँ, इसको आप छोड़ कर देखिए, किसकी जगह कुछ और डाइट लीजिए। अगर आपने जौ लेना है तो जौ ले लो, लेकिन आटे की रोटी छोड़ कर देखो, उससे फर्क पड़ेगा। दूसरी बात ये, ज्वार ले लो। दूसरी बात ये कि अपने यूनिट्स को एडजस्ट करो और देखो कि वो कितने यूनिट्स हैं, और यूनिट्स हमेशा 2-2 में बढ़ाते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली 2-2 में बढ़ाते हैं, यानी कि 3-4 दिन के वक्फे के बाद देखने के बाद अपने डॉक्टर से मशवरा करके चलो। 250 फास्टिंग शुगर हो तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग है।